हाउसे ग्रेवी बनाएंगे, वो जो करी होती है, ठीक है, करी में बड़ी जान होनी चाहिए, ऑयल ऐड करना है, बेसन ऐड करना है, कोकोनट पाउडर ऐड करना है, दही ऐड कर रहा हूं मैं, लंप फ्री इसको कर लेना, पानी भी ऐड करूंगा 2 से 3 कप, हल्दी, गरम मसाला, नमक। ग्रेवी के लिए आपने क्या करना है, वही सारे लवाजमात हैं, ऑयल जाएगा, 2 अदद प्याज थे स्लाइस्ड किए हुए, जीरा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे, स्पेगेटी का एक बॉयल मैंने अल डेंटे इसको करके बॉयल कर लिया था पहले से ही। ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी आना शुरू हो गई है। बटन चिलीज ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चिकन ऐड कर देंगे, टमाटर थे 2 अदद, उसी ग्रेवी हमने बनाई हुई है, लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, मिर्च। दही भी है, वो भी यहाँ पर ऐड करेंगे। हाउसे करी के लिए अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 3/4 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 पैकेट, बेसन 1 कप, पानी 3 कप या हस्बे जरूरत, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, चिकन करी के लिए कुकिंग ऑयल 3/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, चिकन बोनलेस क्यूब्स 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, टमाटर स्लाइस 2 अदद, फिटी दही 3 खाने के चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, उबली स्पैकेटी के लिए पानी हस्बे ज़रूरत, नमक 1 खाने का चम्मच, स्पैकेटी 450 ग्राम, असम्बलिंग के लिए उबली स्पैकेटी हस्बे ज़रूरत, बेसन करी हस्बे ज़रूरत, पकी हुई चिकन हस्बे ज़रूरत, चॉप ताज़ा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, चिप्स 1 पैकेट।